हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट इन सीन। सो आज की इस वीडियो में हम जो नीट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, नीट 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें स्कैम हुआ है इतना बड़ा, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और आर्टिस्ट उससे क्या सीख सकते हैं। ठीक है, आप सोचोगे कि सर ये हमारे से रिलेटेड कैसे हो सकता है, तो उस पर भी मैं बात करूँगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है कमेंट किया था कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, जो नीट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ 2024 का, इसमें जो स्कैम हुआ है। मैं भी इस वीडियो को अवॉइड कर रहा था क्योंकि आर्टिस्टों के लिए इसमें क्या है चीज़ें, लेकिन फिर मैंने चीज़ रियलाइज़ करी कि इसके अंदर से हम काफ़ी चीज़ें हम देख सकते हैं, हमें काफ़ी कुछ रियलाइज़ हो सकता है जब हम दूसरी फील्ड के एग्ज़ाम को देख रहे हो। अब बेसिकली नीट क्या है, हमारी लाइन में डॉक्टरी, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें हमेशा कम्पीट किया जाता है आर्टिस्ट को। जो बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है उस पर घर वाले प्रेशर करते हैं कि आप SSC का एग्ज़ाम दो, नीट का एग्ज़ाम दो, ठीक है, या फिर आप जो है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। अब आप देख सकते हो कि क्या चीज़ें हुई है। बेसिकली मैं इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि हुआ क्या है। दरअसल जो ये नीट का जो एग्ज़ाम था 2024 में, इसमें एक बड़े लेवल का स्कैम हुआ है। NTA के ऊपर ही बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं। ठीक, इस पर क्या इल्ज़ाम लग रहे हैं कि इन्होंने जो है इस स्कैम को रोका नहीं है। ठीक है, ये लोग मिले हुए हैं, पैसे खाए हैं बहुत सारे, जो अमीर जो लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं, उन्होंने कई कई लाखों रुपए तक दिए हैं, 50-50 लाख तक दिए हैं, कहते हैं रिश्वत मिली है। 67 बच्चों ने टॉप किया है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 67 बच्चों ने पहली पोजीशन हासिल की हो। अब ये जो एग्ज़ाम हुआ है, ये इसमें जो फुल मार्क्स होते हैं ये आपके 720 मार्क्स होते हैं। अब सोचो 67 बच्चों ने ही 720 मार्क्स लाए, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, अब इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले साल 3 बच्चों ने टॉप किया था, उससे पिछले साल 2 ने किया था, हमेशा 3-4 का ही रेशियो रहा है। लेकिन इस बार 67 इतना बड़ा नंबर लाना, यानी कि कितने बड़े लेवल पे ये स्कैम हुआ है, कितने बड़े लेवल पे पैसे खाए गए हैं, आप कुछ चीज़ें सोच सकते हो। और इसमें अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, हम सभी को पता है कि बहुत बड़ा बवाल हुआ है, बहुत बच्चों ने हड़ताल करी है। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के साथ तो गलत हो गया ना। गलत कैसे हो गया? अब उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उन्होंने मेहनत करी, जो बच्चे जेन्युइनली मेहनत कर रहे थे वो, वहीं एक दूसरा बच्चा आता है जो पैसे खिला के जो है अपनी सीट बुक कर लेता है या मार्क्स ले लेता है। क्वेश्चन पेपर बेसिकली लीक हुए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, और इससे पहले भी ऐसा हुआ है। ठीक है, NTA को ये चीज़ें पता थी, ये चीज़ें हो रही थी, लेकिन फिर भी इस पर गौर नहीं किया गया, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया सही से। ठीक है, इसी वजह से इस लेवल पे पेपर लीक हुआ है। अब NTA ने इसको छुपाने की बहुत कोशिशें करी, जिस तरीके से उन्होंने ग्रेस मार्क्स का बहाना दिया। ग्रेस मार्क्स बेसिकली क्या है कि मार्क्स को थोड़ा बढ़ा देना, मतलब कि कुछ बच्चे हैं मान के चलो जिनको आधा घंटा पेपर लेट मिला, किसी को 10 मिनट लेट मिला, तो उनको इतने मार्क्स दे दिए। ठीक है, बच्चों को एक एक घंटा पेपर लेट दिया, ठीक है, आधा आधा घंटा लेट दिया। अब उसमें उनके पास तो टाइम तो लिमिटेड ही था, ठीक है, लेकिन उनको ग्रेस मार्क्स के ज़रिए जो है उनके मार्क्स बढ़ाए गए। अब ये गलत किस तरीके से है, मान के चलो किसी बच्चे को एक घंटे पेपर मिला हो तो क्या उसको इतने सारे मार्क्स को फ्री में दे देंगे, और जो बच्चे पढ़ के गए हैं मतलब वो तो पागल थोड़ी है ना फिर। इसलिए इसमें माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, अगर आप एक गलत जवाब देते हो तो आपका एक नंबर जो है एक्स्ट्रा कटता है, और 4 नंबर का होता है ये पेपर आपका। अगर आपने गलत जवाब दे दिया आपने, तो आपके पूरे 5 नंबर कटते हैं। ठीक है, माइनस मार्किंग होती है। कुछ बच्चों के इसमें 19 नंबर आए, 719 आए, 718 है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि इतने इस तरीके से मार्क्स आ सके। बहुत लोगों ने इस पर सवाल भी उठाया। अब इतने बड़े लेवल पर ये स्कैम हुआ है, इतने सारे बच्चों ने टॉप किया है, ठीक है, ग्रेस मार्क्स देके कैसे ना कैसे करके उन बच्चों को जो है बढ़ाने की कोशिश की गई है। सबको पता है कि पैसा खिलाया गया है यहाँ पर कहीं ना कहीं। ठीक है, ये 67 बच्चे जिन्होंने टॉप किया है पेपर को लीक करके, ठीक है, जब वो डॉक्टर्स बनेंगे तो किस लेवल का खतरा हो सकता है। डॉक्टर्स जान बचाता है, पर ये तो जान ले लेंगे अगले की, है ना। इस चीज़ से हम एज एन आर्टिस्ट हम क्या सीख ले सकते हैं, क्या हमें चीज़ें मिल रही हैं। अब देखो, बहुत से माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाने पे तुले हुए हैं, ज़बरदस्ती कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसमें ज़बरदस्ती कुछ बातें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किस तरीके, जैसे कि SSC का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, और ये आपका NTA का एग्ज़ाम हो गया, जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिसमें लाखों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, है ना, लेकिन उनके बारे में क्या कोई सोचता है कि उन पर मेंटली कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, यहाँ पर दिमाग पे कितना प्रेशर पड़ रहा था। इसके ऊपर एक मूवी बनी है 3 इडियट्स,
कि इंजीनियरिंग बच्चे कर रहे हैं और उनके दिमाग पे कितना ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। और पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या, वो तो रिपोर्ट में है नहीं सर। कुछ बच्चे हैं जो अपने पैशन को फॉलो करना चाह रहे हैं पर माँ बाप की जबरदस्ती प्रेशर बढ़ाने की वजह से वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अगर वो अपने पैशन को फॉलो करते तो वो शायद उसमें कितना आगे निकल चुके होते। लेकिन ज़बरदस्ती उनको ऐसे ऐसी रेस में दौड़ाया जा रहा है जिसमें कि लाखों लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, और उनका पैशन भी नहीं है उसमें दौड़ने का, उनका मन भी नहीं है दौड़ने का। खुद इमेजिन करो आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हो जिसमें आपको सिर्फ ज़बरदस्ती दौड़ाया जा रहा है, ना तो आपकी फिजिक है उसमें दौड़ने के लिए ना आपका मन है, और उसमें कुछ एथलीट्स भी दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप उनसे कैसे कम्पीट करोगे? और आप देख रहे हो कि लाखों की भीड़ दौड़ रही है उसके अंदर, कोई पेरेंट्स हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़े लेवल की सीख है। देख लिया ना किस तरीके का स्कैम मचाया जा रहा है यहाँ पे। एटलीस्ट हमारी आर्ट के अंदर इस लेवल पे तो कोई स्कैम नहीं चल रहा है। इतने बड़े लेवल का स्कैम BFA के एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो आज तक नहीं हुआ है। BFA भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपके बच्चे का पैशन है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो थोड़ा सा स्किल्ड है, उसका इंटरेस्ट है इसके अंदर। और कितने लोग हैं बेसिकली हमारी फील्ड के अंदर, लाखों में लोग नहीं हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, हज़ारों में लोग हैं, लाखों में और हज़ार, आप हज़ारों में कम्पीट कर रहे हो या आप लाखों में कर रहे हो, ठीक है। इसी वजह से हमारी लाइन में कंपटीशन कम हो जाता है नीट इंजीनियरिंग, ठीक है, और SSC दूसरी फील्ड्स के मुकाबले में। तो अभी बीच में रोक के एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है मुझे। सो जैसा कि आप जानते हो कि BFA एंट्रेंस में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, सो उसके लिए जो हमारे बैचेज हैं वो ओपन है, एडमिशन ओपन है क्लासेस के लिए, तो आप इनरोल कर सकते हो क्लास में BFA एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस अवेलेबल हैं। सो आप जैसा कि आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के काम और स्टूडेंट्स की ग्रोथ कितने हाई लेवल पे हो रही है, बिकॉज ऑफ द हमारी जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की वो ट्रेनिंग है जो आपको प्रोवाइड की जा रही है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही। सो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, और अपने एग्ज़ाम को जो है क्लियर कर सकते हो। इस क्लासेस में इनरोल करने के लिए नीचे जो आपको नंबर शो हो रहा है अकेडमी का, उस नंबर पे आपको मैसेज कर देना है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी जो भी क्लासेस से रिलेटेड होती है। तो मैं पेरेंट्स से यही बोलूँगा कि आपका बच्चा अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसको आर्टिस्ट ही बनने दो, उसको ज़बरदस्ती नीट में मत घुसाओ। आपने देख लिया ना किस लेवल का एक स्कैम होता है, ये किस लेवल का ये मचा हुआ है यहाँ पे ना, जो दूसरे SSC के एग्ज़ाम है या किस लेवल के बच्चों पे प्रेशर पड़ रहा है मेंटली। तो क्या आप अपने बच्चे को जो ऑलरेडी उसका इंटरेस्ट है, उसने इंटरेस्ट ढूंढ रखा है, क्या आप अपने बच्चे को उठाकर ज़बरदस्ती उस भीड़ का हिस्सा बनाना चाहते हो या उस क्या बोलते हैं ना उस जहाँ पे मारकाट मची पड़ी है जिसके अंदर बिल्कुल ही, वहाँ ज़बरदस्ती उस युद्ध के अंदर घुसाना चाहते हो जहाँ पे मतलब उसकी उसको लड़ने की कोई स्किल नहीं है उस फील्ड के अंदर। तो मैं यही बोलूँगा माँ बाप से कि इस चीज़ से आपको सीख लेनी चाहिए। अब इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इस चीज़ से सीख लो एटलीस्ट। अब आपका टाइम है खुद को संभालने का कि हमारी जो फील्ड है ये आपको पुकार रही है, आर्ट की जो फील्ड है, ठीक है, इसमें कूदो, आर्टिस्ट बनने के लिए कूदो, अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करो। एक सबसे ज़रूरी पॉइंट जो भी माँ बाप समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी, जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो ये बात उनके लिए है। ज़बरदस्ती अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती अपने बच्चे को सरकारी नौकरी में घुसाना चाह रहे हैं कि SSC का एग्ज़ाम हो जाएगा, IAS ऑफिसर, ये सब चीज़ें बनाना चाह रहे हैं और उनकी अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि आर्ट में स्कोप है कि नहीं है, इस चीज़ के ऊपर डाउट कर रहे हैं। तो ये चीज़ खुद सोच के देखो, जितने भी माँ बाप हैं जो कि पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, थोड़े जो पढ़े लिखे हैं ना माँ बाप, अच्छे एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं अपने बच्चों को इतने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में घुसाने की बजाय वो अपने बच्चों को आर्ट फील्ड के अंदर घुसा रहे हैं, ठीक है। उनके बच्चे क्या करते हैं बेसिकली, जो बच्चे मैं यहाँ पढ़ाकू बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो लोग क्या कर रहे हैं, आप एज एन आर्टिस्ट आपका आर्ट में इंटरेस्ट है लेकिन उनका आर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी फील्ड के अंदर आ रहे हैं, BFA के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्यों? इसको भले ही वो सेकेंड ऑप्शन की तरह देखते हैं लेकिन वो इसको कंसिडर तो कर रहे हैं, उनको ये चीज़ मालूम है कि अगर मेरा उसमें नहीं हुआ तो मैं एक बार BFA MFA कर लूँगा तो इसमें इस लाइन में इतना स्कोप है कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी, एटलीस्ट कुछ नहीं तो टीचर की जॉब तो मुझे मिल जाएगी, सरकारी नौकरी, क्योंकि इसमें कंपटीशन कम है और फील्ड्स के मुकाबले में। ये बात उन तक को समझ में आ गई है जो पढ़ाकू बच्चे हैं,
या जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती आर्ट की फील्ड में घुसा रहे हैं क्योंकि भले ही उनका इंटरेस्ट नहीं है। अमेजिंग बात देखो, जिन बच्चों का इंटरेस्ट है उनके माँ बाप उनको उठा के नीट के एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम दिलवा रहे हैं ज़बरदस्ती, और आर्ट से बिल्कुल उनको दूर कर रहे हैं। ठीक है, उनको खुद को नॉलेज नहीं है कि आर्ट में कितना स्कोप है, उनको भी डिमोटिवेट कर रहे हैं अपने बच्चों को भी, और बच्चे खुद कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि हम आर्ट करें या ना करें। वहीं दूसरी तरफ जिनके माँ बाप थोड़े पढ़े लिखे हैं, इनको समझ आ गई है कि हाँ भाई इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो यहाँ से उठा के बच्चों को सेकंड ऑप्शन में बीएफए में करवा देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं तो टीचर बन जाएगा भले इस, और लगे हाथों ड्राइंग भी सीख जाएगा, एक स्किल भी डेवलप कर लेगा। तो वो माँ बाप ये भी चीज़ देख रहे हैं कि बच्चा स्किल भी डेवलप कर लेगा और आगे जाके आगे भी निकल जाएगा, और कमर्शियली इसको बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल जाएंगी। और उनके बच्चों को इंटरेस्ट भी नहीं है फिर भी वो आर्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीएफए का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, और अपने पढ़ाई के दम पर ही वो एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, उनका काम भी अच्छा नहीं, क्योंकि 99% 100% लेकर आ जाते हैं, थोड़ा बहुत काम ठीक ठाक कर लेते हैं सीख के और एग्ज़ाम को क्लियर कर देते हैं। और जो बच्चा कन्फ्यूज रहता है एज एन आर्टिस्ट, जिसका आर्ट में इंटरेस्ट है और फिर भी वो कन्फ्यूज रह रहा है, ठीक है, उस बच्चे की वो सीट वो कैप्चर कर लेते हैं। तो आपको अपनी सीट को ऐसे कैप्चर होने से बचाना है, आपको मेहनत करनी है ज़्यादा, आपको खुद के काम पर फोकस करना है ताकि आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सको बीएफए का, और इस चीज़ से निकल के आओ कि आर्ट में स्कोप है कि नहीं है, इस कन्फ्यूजन से दूर निकल के आओ, क्योंकि आर्ट के अंदर बहुत स्कोप है। अगर थोड़ा सा गूगल कर लोगे ना, सिर्फ 2 मिनट का काम लगता है गूगल करने के लिए, गूगल करके देख लोगे हाउ मेनी स्कोप इन आर्ट, तो आपको बहुत सारे 100 से ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे कि इस तरीके के ऑप्शन हैं। ठीक है, टीचिंग करना या टीचर बनना, गवर्नमेंट जॉब लेना टीचिंग की, ये सबसे छोटी जॉब है हमारी आर्ट फील्ड के अंदर। और भी बड़े बड़े लेवल के आर्ट डायरेक्टर, आर्ट क्यूरेटर, बहुत तरीके की जॉब्स होती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल तक बन सकते हो आप कॉलेज के। जो नॉन आर्टिस्ट हैं वो भी इस फील्ड के अंदर कूद रहे हैं ताकि उनको दिख गया कि इसके अंदर स्कोप कितना ज़्यादा है। ठीक है, और वो एक अच्छे इंटरेस्टेड आर्टिस्ट की जो है सीट कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ है ना, कन्फ्यूज है तो भाई कन्फ्यूज ही रहे, तेरी सीट कोई और ले जाएगा। ठीक है, वो अपने माँ को कन्विंस नहीं कर पाते, रोते रहते हैं कि हमारे माँ मानते नहीं आर्ट में, उनके माँ को पता नहीं है। वहीं दूसरा बच्चा जिसके माँ बाप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती अपने बच्चों को आर्ट करवा रहे हैं ताकि हमारा बच्चा आर्ट फील्ड के अंदर चला जाए और ये नीट एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, और दूसरे जो एसएससी वाले एग्ज़ाम है इनसे दूर हो जाए। जरूर देखो, नीट का एग्ज़ाम देना भी बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है हम लोगों को ना, अच्छे डॉक्टर्स की, लेकिन इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होने की वजह से ही तो ये सारे स्कैम्स हो रहे हैं ना। लेकिन जो डिज़र्विंग बच्चे हैं वो ही उसके अंदर जो है आगे जा सकते हैं, जो पढ़ाकू हैं, जिनको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, जिनको डॉक्टर बनने में एक्चुअल में इंटरेस्ट है। ठीक है, और जिनको देखो, जो बच्चा जो बनना चाहता है उसको वही बनने देना ही भलाई है। माँ बाप को ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं बनाना चाहिए बच्चे के ऊपर, ये उनके लिए ही सीख है। जो भी ये इतना बड़ा स्कैम हुआ है ना, ये उन्हीं के लिए सीख है, ये माँ बाप के लिए ही। किसी को मेंटली कोई दिक्कत हो गई, क्योंकि इतना प्रेशर बच्चे झेल नहीं पाते इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन का। धीरे धीरे फ्यूचर में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से माँ बाप देख रहे हैं कि आर्ट में बहुत स्कोप है। ठीक है, जो नॉन आर्टिस्ट हैं वो लोग भी देख रहे हैं कि आर्ट में बहुत स्कोप है, इस डिग्री में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो उससे धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन कंपटीशन उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंचा जैसे नीट में हो गया या फिर एसएससी में हो गया। तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप जो है अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, अपनी इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ सकते हो आर्ट फील्ड के अंदर। ठीक है, हमारे पास स्किल है, हम अपनी स्किल के दम पर ही दुनिया जीत लेते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, और इस तरीके की वीडियोस अपने माँ बाप को ज़रूर दिखाया करो ताकि उनको भी एक समझ मिले, उनको भी नॉलेज हो आर्ट फील्ड के बारे में। थैंक यू वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लेना, और इस वीडियो को अपने माँ बाप के साथ और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।